थोड़ा सा और ऊपर, थोड़ा और ऊपर, पहुंच गया। बहुत अच्छा। थोड़ा सा पास होता तो मैं मदद करती हूँ। बलू रुको थोड़ा। मोगली तुम ठीक तो हो? बचाओ, कोई बचाओ मुझे। मेरी नाक। मुझे माफ कर दो, पर मैं तो मदद करना चाहती थी। समझ सकता हूँ, अब और मत करना। अब मुझे बस थोड़ा सा शहद मिल जाता तो। तुम बड़े प्यासे हो। मैं दवाई वाले शहद की बात कर रहा हूँ बघीरा। वो बादाम के पेड़ पर होता है, बड़ा ही टेस्टी होता है। मुझे बादाम का पेड़ पता है, मैं लाती हूँ। मैं जाऊँ? तुम ज्यादा शहद नहीं ला पाओगी डार्जी, मैं बघीरा के साथ जाकर लाता हूँ। तुम बलू का ख्याल रखना। देखना मधुमक्खियां ना काट ले। मधुमक्खियां तो है ही नहीं और ना ही शहद बचा है यहाँ। सारा का सारा शहद किसी ने ले लिया। अब ये जंगल के नियम के खिलाफ नहीं है बघीरा? खिलाफ तो है, पर क्या कर सकते हैं। चलो बलू को ये बुरी खबर दे देते हैं। एक मिनट, वो शहद चोर इस तरफ गया है, क्यों ना उसके पीछे जाया जाए बघीरा। पर जल्दी करना होगा, बलू हमारा इंतजार कर रहा है। अरे नहीं, अरे नहीं, पता नहीं बलू को क्या हो रहा है। माफ करना बलू, पर मैं तो तुम्हारी तबीयत चेक कर रही थी। तुम्हारे लिए कुछ कर दूं मैं? नहीं डार्जी, तुम्हारी मदद नहीं चाहिए, प्लीज। उस चोर ने और निशान भी जरूर छोड़े होंगे बघीरा। कुछ महक तो मिल रही है। तुम उस हनीदीप को ढूंढ रहे हो ना? मैं तुम्हारी मदद करता हूँ, नेवलों की नाक बड़ी तेज होती है। हाँ, और हम तेंदुओं की भी। पर तुम्हारी नाक ने तो कुछ खास किया ही नहीं अभी तक। अब बोलो मत, कुछ करके भी दिखाओ रिकी, चलो शुरू हो जाओ। हाँ अभी लो। समझ आ गया। मेरे पीछे आओ, हम सही दिशा की तरफ जा रहे हैं। हाँ ठीक है। अब आओ ना। तबीयत बहुत खराब है, कितना दर्द हो रहा है और गर्मी भी लग रही है। कीचड़? हाँ तुम्हें कीचड़ चाहिए, उससे तुम्हें ठंडक मिलेगी बलू। ओह बंदर, मुझे शक तो हो रहा था। मैं बस तुम्हारी मदद करना चाहती थी। अरे नहीं 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 बाबा नहीं, हाथ जोड़ता हूँ। बहुत मदद कर ली तुमने। क्यों आए हो यहाँ? हम वो शहद लेने आए हैं जो तुम्हारे बंदरों ने बादाम के पेड़ से चुराया है। पर हमने कोई शहद नहीं चुराया। पर सबूत तो तुम्हारी तरफ इशारा करते हैं। एक मिनट, इससे बंदर की खुशबू नहीं आ रही, इस चोरी के पीछे कोई और जानवर है। हाँ? और नहीं तो क्या, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हम पर इल्जाम लगाने की? हमला करो। हाँ,
अब तुम्हें कैसा लग रहा है बलू? बहुत सर दर्द हो रहा है, मुझे शहद चाहिए। बस थोड़ा सा और इंतजार कर लो, मोगली बस आता ही होगा। हाँ, पर मैं अब और इंतजार नहीं कर सकता। अरे नहीं नहीं, बस थोड़ी देर और बलू, थोड़ी देर। सुनो एकी, वो शहद भरा छत्ता है ना? मैं नहीं दूंगी, ये मेरा है। पर तुम्हें ये मिला कहाँ से? तुम्हें इससे क्या मतलब? अगर मैं तुम्हें इसके बदले आम दूं तो चलेगा? मीठा मीठा आम, बलू के पेड़ वाला। ठीक है, सौदा मंजूर है। एक जानवर ने इसे यहाँ गिराया था, पर तुम ध्यान से उसके पास जाना। क्यों? क्योंकि वो बहुत गुस्सैल है। मैं भी बाल बाल बची थी। अरे देख लेंगे, वैसे वो रहता कहाँ है? एक बड़े से पत्थर के नीचे, यहाँ से सीधे चले जाओ। शुक्रिया की। शुक्रिया छोड़ो, बस आम पहुँचा देना। बेचारे बलू को धूप लग गई है, ये सूरज भी ना। तुमने तो इसका और कचूमर निकाल दिया। अरे नहीं नहीं। ओ, ये मोगली अभी तक शहद लेकर क्यों नहीं आया? अरे चिंता नहीं करो बलू, मैं जाती हूँ उसे लेकर आती हूँ। ये रहा उस चोर का अड्डा। ये तो छोटा छेद है, तो फिर जानवर भी छोटा ही होगा। हेलो, क्या कोई अंदर है? इकी ने सही कहा था, ये बड़ा गुस्सैल है। मुझसे पंगा मत लेना, मैं हूँ हरजीत हनी बाजा, तुम सबसे निपट सकता हूँ मैं। अरे हम लड़ने नहीं आए हैं, वो क्या है कि तुम्हारे पास थोड़ा शहद बचा है ना? हाँ, मेरे पास नहीं होगा तो किसके पास होगा? पर मैं वो किसी को नहीं दूंगा, क्योंकि शहद मेरा होता है। ओए, तू इतना कर क्यों रहा है? क्या कहा? हाँ, शुक्र मनाओ मेरा मूड अच्छा है। चलो जाओ, अब दफा हो जाओ यहाँ से। क्यों ना इसे भी लालच दे, एक हनी बैट जो सिवा शहद के और क्या खाता है? सब कुछ, अंडे, कीड़े, बेरीज। घबरा क्यों रही हो डार्सी? बलू ठीक तो है ना? अरे नहीं, तभी तो आई हूँ, उसे शहद की जरूरत है। ठीक है, हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं है, बलू की जान के खातिर हम यहाँ से शहद लेकर ही जाएंगे। चलो दोस्तों। हाँ ठीक है, मैं उस लल्लू को एक घूंसे में हरा दूंगा। पाँच पाँच को हराया मैंने। नहीं, मैं हरजीत को हराऊंगा, तुम रहने दो रिकी। एक मिनट, मेरे पास एक आइडिया है। रिकी एक काम करो, तुम हरजीत से भिड़ो और उसका ध्यान भटकाओ, और बघीरा मुझे तुम्हारी ताकत की जरूरत है, मेरी मदद करोगी? रिके रिके रिके। रिके रिके रिके। मुझे वापस दो, वो मेरा शहद है। अरे बाबा, तुम्हारे पास और बहुत है। नहीं छोड़ूंगा, कभी ना कभी तो हाथ आओगे। ओह, अब जाकर राहत मिली। शुक्रिया मोगली। रिकी को शुक्रिया कहो, यही उस हनी बैजर से भिड़ा। शुक्रिया रिकी, तुम सबका शुक्रिया, तुम सब अच्छे दोस्त हो। तुम भी डार्जी, मैं जानता हूँ तुम मदद कर रही थी, वैसे मदद से ज्यादा ये तकलीफ ही दे रही थी। मेरे पास एक और चीज है बलू, लो इसे खाओ, इसे खाकर तुम और जल्दी ठीक हो जाओगे। अरे हाँ क्यों नहीं। ये मेरा है ना?
हाँ? ओ, लगता है मेरा सर फिर से घूम रहा है।